गाइस वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। जीवन में जिस तरह ऑक्सीजन, खाना, हवा और अन्य चीजों की जरूरत है, ठीक उसी तरह पानी की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जनरल इमरजेंसी फंड की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर तीसरे व्यक्ति को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। दुनिया के कई देश आज भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। धरती पर 70% पानी मौजूद है, लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी इंसान पानी की कमी से जूझ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2050 तक दुनिया को भयानक पानी के संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समस्या को समझते हुए इजराइल की एक कंपनी ने ऐसा इन्वेंट किया है जो हवा से पानी बना सकता है, और इसकी खासियत देख कई लोग हैरान रह गए। तो आइए जानते हैं इस इन्वेंशन के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होम स्टेट। में इसी तरह के इन्वेंशन के ऊपर बेस्ड वीडियो इस चैनल पे लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दुनिया लगातार पानी के संकट की ओर बढ़ रहा है। अगर भारत में हम पानी के संकट की बात करें तो यहाँ कई नदियां सूख रही है और भूजल स्तर लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। कई जानकारों का कहना है कि साल 2050 तक भारत में भी पानी का संकट बेहद खराब रूप ले सकता है। हमारे भारत की तरह इजराइल भी पानी की समस्या से जूझने वाले देशों में से एक रहा है। भविष्य में पानी के संकट से निपटने के लिए वो लगातार पानी को लेकर काम कर रहे हैं, और उसी का हिस्सा है ये मशीन जो हवा से साफ पानी बनाने के लिए इन्वेंट की गई है। एक खबर के मुताबिक इजराइल की एक कंपनी जिसका नाम है वाटरजेन, इस कंपनी ने पानी के संकट से निपटने के लिए हवा से साफ पानी बनाने वाली मशीन का इन्वेंट कर दिया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यही नहीं, ये कंपनी द्वारा बनाई गई इस मशीन को कार में भी कामयाबी से फिट कर लिया गया है। अब ये तकनीक कामयाब होती दिख रही है और ये इन्वेंट इजराइल की राजधानी तेल अविव में वाटरजेन के हेडक्वार्टर पर प्रेजेंट किया गया था। इस मशीन को इन्वेंट करने वाली कंपनी वाटरजेन का कहना है कि कार किसी भी ब्रांड की हो सकती है, लेकिन ये मशीन लगने के जाने के बाद वो यूजुअल कार नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसके बाद कार किसी को भी शुद्ध साफ पानी पिलाने योग्य बन जाएगी। वाटरजेन का कहना है कि ये मशीन सही तरीके से पानी बनाने में कामयाब रही है। कार में लगने के बाद ये कम्प्लीटली सही तरीके से काम कर रही है। मशीन बनाने वाली कंपनी वाटरजेन का कहना है कि इस मशीन के जरिए से हवा में से नमी को सोख कर बनाए गए पानी में मिनरल्स भी मिलाए जाते हैं, ताकि पानी शुद्ध होने के साथ साथ पौष्टिक भी रहे। इस मशीन के स्मूथली काम करने के लिए हवा में मात्र 20% नमी होना इनफ होता है। वाटरजेन कंपनी घर के इस्तेमाल के लिए बनाई गई मशीन 24 घंटे में 30 लीटर पानी बना सकती है हवा से। दरअसल वाटरजेन पिछले कई सालों से हवा की नमी को सोख कर पानी बनाने की तकनीक को विकसित करने पर काम करती आ रही थी, और इस मशीन से पहले इस तरह के वाटर जनरेटर बना चुकी है जो आप अपने घर पे और ऑफिस में लगाए जा सकते हैं। इजराइल की यह वाटरजेन कंपनी अब अपनी मशीन की कामयाबी के बाद दुनिया के कई कार मैन्युफैक्चरर्स से बात कर रही है, ताकि इस मशीन को हर तरह के मॉडल में फिट किया जा सके। और आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप कोई ऐसी कार लेना पसंद करोगे जिसमें हवा से पानी बनाने वाली मशीन जैसी डिवाइस कोई फिट की गई हो, मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन। इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर IGCR की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 270 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक पूरे साल में 30 दिन तक पानी के संकट से जूझते रहते हैं। पानी की समस्या का सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, नदी, झील और जलाशयों का खत्म होना। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगले 3 दशक में पानी का कंजप्शन 1% की दर से भी बढ़ता है तो दुनिया को बड़े जल संकट से गुजरना पड़ सकता है, और इसका मेन कारण है चाइना, US और यूरोप के कई देश जो क्लाइमेट चेंज पर अपना काम और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। हमारे भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी रहती है, लेकिन उसके लिए केवल 4% पानी अवेलेबल है। वहीं गाँव में पानी की बड़ी समस्या रहती है हमेशा से। गाँव की 90% आबादी पीने के पानी के लिए ग्राउंड वाटर पर निर्भर करती है। पूरे देश में पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों के कंपेरिजन में हमारा देश इस समस्या से खत्म करने के लिए काफी अच्छी तरह से काम कर रहा। आज 1 टन अनाज उत्पादन में 1000 टन पानी की जरूरत होती है, और पानी का 70% हिस्सा सिंचाई में खर्च हो जाता है। अब अगर ऐसे में पानी की किल्लत बढ़ती गई तब अनाज उत्पादन पर संकट आने लगेगा, और इस समस्या को आप 2 डोज वैक्सीन के लेके इसे खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इसी तरह के इन्वेंट, हवा से पानी बनाने वाले इन्वेंट, न सिर्फ इजराइल में पूरी दुनिया में होने चाहिए, ताकि इस समस्या से हम काफी अच्छी तरह से लड़ पाए। तो बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि होमस्टेट के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।